हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मिनाज एंड वेलकम टू माय चैनल। इस ठंड के मौसम में, गाजर के सीजन में हलवा बनाना तो बनता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। एक दफ़ा मेरे तरीके से गाजर का हलवा बनाइए, आई एम श्योर बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है 2 किलो गाजर बारीक किसा हुआ। 2 से 3 टेबलस्पून हम देसी घी ले लेंगे और हमने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम अमूल का मिठाई मेट, 1 कप शुगर ले लिया है और 250 ग्राम खोया यानी मावा ले लिया है, 1 कप ड्राई फ्रूट्स बादाम काजू को बारीक काट दिया है और 1 टीस्पून इलायची पाउडर ले लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गैस ऑन करेंगे इसको मीडियम फ्लेम पर, और एक बड़ा सा पैन हमने चढ़ा दिया है चूल्हे पर। अब इसमें जो मैंने गाजर ग्रेट करके रखा था 2 किलो, मैं सारा के सारा इसमें डाल दूंगी। थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। हमने अब तक इसमें कुछ नहीं डाला है, 5 से 7 मिनट उसको ऐसे ही पकाया है। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं 1 प्याले शक्कर चीनी। और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब चीनी को इसमें डिजोल्व होने देंगे और जैसे ही इसका पानी सूख जाएगा तो हम इसमें देसी घी डालेंगे। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज बिकॉज चीनी पानी छोड़ेगी, उसके साथ कैरेट का जो जूस होता है वो भी साथ निकलेगा और हमें उसी में पकाना है। ये देख रहे हैं, हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना है, बस जैसे ही ये रिड्यूस हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी डाल दिया है, ज़रूरत लगे तो थोड़ा और डाल दो। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गाजर किसा हुआ, शक्कर और घी। अब इसमें हम 1 टीस्पून जो इलायची पाउडर हमने करके रखा है वो डाल देंगे और फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही देसी घी हम डालते हैं इतनी बढ़िया खुशबू आनी शुरू हो जाती है। लुक एट दैट, शुगर इज कम्प्लीटली डिजॉल्व, मॉइस्चर हैज कम्प्लीटली रिड्यूस्ड और घी ने उसको अच्छी खुशबू देना शुरू कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप मिल्क मेड, अमूल का मिठाई मेड। मिल्क मेड नहीं लिया है, अमूल का मैंने मिठाई मेड लिया है। ग्राम जो मिठाई मेट लिया था अमूल का, उसमें से हम सिर्फ 1/2 टिन ही इसमें डालेंगे।
अब इसमें हम 250 ग्राम जो मावा हमने लिया है उसमें का आधा हिस्सा हम इसमें डाल देंगे। आधे से ज़्यादा डाल देंगे फिर गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी बस हो जाती है। ये मैंने थोड़ा सा रख दिया है गार्निशिंग के लिए। और काजू बादाम जो मैंने कट करके रखा था वो भी इसमें हम मिक्स कर देंगे सारा के सारा। और फिर आपकी तरफ इसको ऊपर नीचे करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट और पका लेंगे ताकि ये मावा अच्छे से अपना जो जायका है वो हलवे में मिक्स करेगा और फिर ये तैयार हो जाएगा। अब इसको धीमी आंच पे हम 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम पे रखेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ये देखिए क्या मज़े की लग रही है। अब इसे हम सर्व करेंगे और आपको बताते हैं। इस तरह गाजर का हलवा बनाइए, खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए और तारीफ़ के हकदार बनिए।